हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, सुबह 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 के 6:30 हो रहे हैं और जो रमेश भाई है और बस दिल्ली जा रहे हैं, तो उसको टाटा बाय बाय करने जा रहे हैं अभी। तो चलिए बाकी आज पूरा दिखाते हैं सुबह का हालचाल और रमेश भाई से मिलाते हैं एयरपोर्ट में। और उसका कुछ पेन ड्राइव था वो मेरे पास है, तो उसको देना भी है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करिए वीडियो। चलिए अपनी बसंती, इधर अपनी बसंती खड़ी है। देखो भाई सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ का। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल से। चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ एयरपोर्ट, क्योंकि रमेश भाई यहाँ जाने वाले हैं वापस दिल्ली। तो कुछ फैमिली फंक्शन आए थे अंडमान, क्योंकि अंडमान में उनका घर रहना, तो उनका कुछ फैमिली फंक्शन था, तो इसलिए अंडमान आए थे छुट्टी लेकर के। तो बहुत मुश्किल से छुट्टी मिला है बोल रहा था, तो फटाफट आए और अपना फैमिली फंक्शन अटेंड करके फिर आज वापस जा रहे हैं। तो उसी को मैं क्या बोलते मिलने और भाई बोलने जा रहा हूँ। और उसका कुछ पेन ड्राइव था मेरे पास में, मतलब तो उसका जो वीडियो था उसको एडिट करके मैंने तो पेन ड्राइव में कॉपी करके रखा है, तो फिर उसको देना है सुबह सुबह, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। तो आप लोग घर के आजू बाजू का नज़ारा देख सकते हो यहाँ से। और ये सुबह सुबह का टाइम है, 6:30 हो रहा है सुबह 6:30। और उस टाइम में क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट वगैरह भी खुला नहीं होता है और उतना ट्रैफिक भी नहीं होता है, जबकि 8 बजे के आसपास में यहाँ स्कूल टाइम, फिर ऑफिस टाइम, मतलब स्कूल के लिए और ऑफिस के लिए सब निकलते हैं घर से फटाफट। तो वही है, 8 बजे के 8 बजे के आसपास थोड़ा सा भीड़ रहता है, जबकि मैं सुबह 6:30 बजे निकला था, बट रोड थोड़ा खाली है। तो बाद में जैसे स्कूल टाइम और ऑफिस टाइम होता है उसके बाद में थोड़ा ट्रैफिक आ जाता है। तो आजकल थोड़ा तो ज़्यादा ही ट्रैफिक हो गया है आप देख सकते हैं। ये मैं 11:00 से निकल गया, अभी भातू बस्ती पहुँच रहा हूँ, भातू बस्ती एरिया। तो आप देख सकते हो अगल बगल मार्केट, मैंने थोड़ा वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दिया है थोड़ा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था। तो मेरे घर के यहाँ से एयरपोर्ट ज़्यादा नहीं, यहाँ 4-5 किलोमीटर के आसपास ही होगा, ज़्यादा नहीं। वहाँ से अगर ट्रैफिक नहीं रहता है तो हम पहुँच जाते हैं 15 मिनट के आसपास में। अभी हम पेट्रोल भरने वाले हैं जाके। वैसे रेट तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मतलब एक एक्स्ट्रा प्रीमियम रहता है और एक नॉर्मल पेट्रोल रहता है। चलिए हम भातू बस्ती आ गए, भातू बस्ती मेन जंक्शन। आप सीधा जाओगे तो कार्बिस्कोप बीच, हम इधर लेफ्ट आ गए, मेन बाज़ार की ओर जा रहे हैं, मेन नाम बाज़ार। तो रास्ते में एयरपोर्ट पड़ता है। चलिए भातू बस्ती का जंक्शन देख सकते हो, अगल बगल मार्केट वगैरह खुला भी नहीं है, शॉप वगैरह खुला भी नहीं है सुबह सुबह। तो एक दो खुलता है उस टाइम में, मतलब तो 8 बजे तक का, 8-8:30 तक का खुल जाता है, 9 बजे तक का देख सकते हो हरा भरा अंडा मार्केट। राइट साइड में जीप और फोर व्हीलर का ट्रक वगैरह पार्किंग है, और वहीं यहीं पे बंगाली जो वर्कर्स रहते हैं, मतलब लेबर वगैरह यहीं पर आते हैं सुबह को। जैसा कि घर वगैरह बनता है ना, तो उसको लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे ही बहुत से लोग आ जाते हैं सुबह सुबह को, उसको काम जाना होता है, तब लेबर का काम। अगर आपको लेबर चाहिए तो यहाँ पे आप आओगे सुबह सुबह तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ डेली का है, डेली का वहाँ खड़े रहते हैं लोग, तो डेली काम बोलते हैं ना, डेली लेबर वहाँ पर मिलता है। तो डेली काम चाहिए तो वहाँ पर आ जाते हैं। और सुबह सुबह से निकल रहा था तो पड़ रहा है उधर से। अभी हम टॉलीगंज आने वाले हैं, टॉलीगंज। अरे यार रोड ना अच्छा नहीं है यार, सही दिख रहा है आपको थोड़ा अच्छा, बट रोड उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे रोड है। रोड स्मूथ होता ना तो वीडियो भी अच्छा स्मूथ। चलिए तो आस पास देख सकते हो गैरेज वगैरह है लेफ्ट साइड, और यहाँ पे बम्बू का चटाई वगैरह और कुछ मिलता है। होटल वगैरह है टॉलीगंज लेफ्ट साइड, और उसके आगे और आगे जो दिख रहा है वो सारी पर आगे से बंबू सब रखे हुए हैं,
और यहाँ पे टाइल्स वगैरह की दुकान वगैरह है इस साइड, लेफ्ट साइड सब बात। चलिए डॉलीगंज चौक आ गए, लेफ्ट साइड जाओगे तो डॉलीगंज है। अभी हम पहुँचेंगे मिनी बे, मिनी बे का चौक है यहाँ। सुबह के टाइम में राइडिंग इतना अच्छा लगे, सुबह भी एकदम खाली रहता है और आराम से आप चला सकते हो गाड़ी वगैरह, बाद में भीड़ हो जाता है ना पूरा, रुक रुक के जाना पड़ता है। चलिए हम आ गए मिनी बे चौक, अगर आप ऊपर जाते हो तो मिनी बे जाता है। तो अब इसके बाद हम आएंगे स्कूल लाइन, तो यहाँ पे कार्गो का ऑफिस वगैरह है, कार्गो जैसे कि आप कार्गो अपना सामान वान मेलन के जाना चाहते हो गाड़ी वहाँ वगैरह, तो यहाँ पे ऑफिस है उसका वेबसाइट। चलिए हम आ गए स्कूल लाइन, स्कूल लाइन चौक देखो ऊपर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो स्कूल लाइन जाता है। हम आ गए अभी आ गए लेफ्ट साइड में ही है आनंद पैराडाइज होम थिएटर है, थिएटर निर्मल अच्छा सॉरी स्कूल लाइन, स्कूल आइए लेफ्ट साइड में ये मेन गेट है स्कूल लाइन स्कूल का। उसके बाद हम लंबा लाइन एरिया, यहाँ पे रोड ख़राब है बहुत ख़राब देख सकते हैं, टक पे पड़े क्योंकि हम यहाँ पे पेट्रोल भरने वाले हैं, पेट्रोल भरेंगे पेट्रोल भरे। अरे वीडियो कहाँ गया यार, वीडियो उड़ गया। आप प्राइस देख सकते हो कितना है पेट्रोल का प्राइस, उधर एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला है, इधर है पेट्रोल नॉर्मल पेट्रोल। चलिए भाई हमने पेट्रोल भर लिया अभी, तो हम आगे चलते हैं एयरपोर्ट की ओर। चलिए हम मैं लंबा लाइन में, लंबा लाइन यहाँ भी होटल वगैरह है बहुत सारे। एक देखिए एक होटल है यहाँ पे एयरपोर्ट के, एयरपोर्ट के गेट के सामने होटल, जस्ट हम अभी एयरपोर्ट के गेट का वहाँ पहुँचे राइट साइड में एयरपोर्ट का गेट, फिर उसके एयरपोर्ट के गेट के अपोजिट में भी एक होटल है। चलिए हम आ गए, तो अभी एक एयरपोर्ट ठीक से बना नहीं है, मतलब जो नया बन रहा है उतना बना नहीं है, इसीलिए यहाँ से हम अंदर जाते हैं बाहर आते हैं एक ही जगह एक ही रास्ते, बाद में जब पूरा बन जाएगा देख सकते हो एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट बना नहीं है, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में रोड वगैरह सब जैसे आउट इन और आउट हो जाएगा, तो अभी एक ही रोड से नाम चला देंगे। चलिए सुबह सुबह हम आ गए एयरपोर्ट, अभी रमेश भाई ऑफिस जा रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है ना ऑफिस जा रहे हैं, कनेक्टिंग है ना यहाँ से कोलकाता फिर दिल्ली। तो अपने रमेश भाई जा रहे हैं अपने लगेज लेकर के अंदर। चलिए तो हमने रमेश भाई को टाटा बाय बाय बोल दिया, वो अंदर चले गए अपना चेक इन कर लिया अंदर, तो हम जा रहे हैं ऑफिस से। अभी ऑफिस का व्यू भी दिखाते हैं, सुबह को थोड़ा सा मौसम अच्छा था बट हम जैसे घर आए उसके बाद आधा एक घंटा दो घंटा के बाद ही मौसम फिर से खराब, क्लाउडी क्लाउडी मौसम हो गया, तब देख सकते हो। अभी ऑफिस जा रहे हैं जहाँ से आए थे वहाँ ऑफिस। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना यार। ऐसे ही रोड ब्लॉग्स आपके लिए अभी कंटिन्यू आने वाले हैं, आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलिए आप वीडियो एंजॉय करिए, चलते हैं फिर मिलते हैं कुछ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए वीडियो एंजॉय करिए।